गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आज ये ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा मेकअप लुक क्रिएट किया है, साथ ही में मैंने ये बंगाली स्टाइल साड़ी भी पहनी है और उसके साथ गोल्डन का ज्वेलरी। सो आप ज़रूर बताना ये कैसा लग रहा है मुझ पे ये लुक, और अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगता है तो मेक श्योर मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं जोविस का क्यूकम्बर टोनर ले रही हूँ और इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लूँगी। अरे ये मेरी नीस है, वो कैमरे पे ऐसे देख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करूँगी, ये स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत ही अच्छा से आपको मतलब एक स्मूदन स्किन प्रोवाइड करता है। सो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एडीएस का ब्लमशाय आई शेडो पैलेट लूँगी, इसमें से ये ब्लैक कलर आई शेडो लेके मैं अपने आईब्रोज को ग्रूम करूँगी, अच्छे से फील करूँगी, क्योंकि आईब्रोज पता ही है मैं स्किप नहीं करती हूँ। सो अरे ये ऐसे ही करती है, जब भी कुछ गलत करती है मेरे मेकअप को लेके छेड़छाड़ कर रही थी तो मैंने डांटा, इसलिए मुझे किसी दे रही है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने स्पूली की हेल्प से एज को क्लीन कर रही हूँ आईब्रोज की। उसके बाद मैं यहाँ पे ओलिविया का पैन स्टिक ले रही हूँ, इसे अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी एज अ आई शेडो बेस, और अपने ब्राउज के एज को भी क्लीन कर लूँगी। इसके बाद एक वेट स्पंज के हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टेकवेयर की का कॉम्पैक्ट लूँगी अपने आई शेडो की बेस को सेट करने के लिए। सो इसके बाद मैं यहाँ पे सिवाना कलर्स का ब्लशर हाइलाइटर पैलेट लूँगी, उसमें से ये कॉन्टोर शेड मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे न्यू मेकअप ब्रशेस का यूज़ किया है, अगर आप चाहते हो इसका रिव्यू देखना तो कमेंट करना, मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ब्यूटी बेरी का आई शेडो पैलेट लिया है, इसमें से ये कॉपर शेड लेके मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से, और उसे ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये गोल्डन कलर शेड पिक करूँगी और अपने इनर वी पे अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से, और इसे सेम ब्रश के हेल्प से मैं ब्लेंड भी कर लूँगी। आप देख सकते हो ये बहुत क्रीमी आई शेडोज़ है। सो इसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। उसके बाद जो भी कलर मिसप्लेस हो गया था मैं उस पर दोबारा से रीअप्लाई करूँगी। सो अब मैं काजल के लिए ये NY बेक का काजल लूँगी और इसे अपने लोअर वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टेकवेयर की का लिक्विड आईलाइनर लूँगी और इसके हेल्प से एक विंग लाइनर क्रिएट करूँगी, आप देख सकते हो इसे आउटर वी से स्टार्ट करते हुए इनर वी तक लेके जाऊँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन लूँगी, शेड वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। उसके बाद एक वेट स्पंज के हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी डैब डैब मोशन में, और ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर लूँगी और इसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे यूजुअली अप्लाई करते हैं हाईलाइटिंग के लिए, सो अंडर आई फोरहेड नोज क्यूपिड्स बो एंड चेन पे। इसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं ब्लेंड भी कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करने के लिए ये स्टेकवेयर की का कॉम्पैक्ट लूँगी, इसके हेल्प से मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी एक फ्लफी पाउडर ब्रश के हेल्प से। सो ये ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं गाइस, अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छा ब्रशेस है। सो नेक्स्ट मैं ये सिवाना का ब्लशर हाइलाइटर पैलेट लूँगी, इसमें से ये कॉन्टोर शेड लेके मैं अपने फेस को कंटोरिंग करूँगी एक कंटोर ब्रश के हेल्प से, आप देख सकते हो चिक्स पे मैं कंटोर कर रही हूँ।
सो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी और घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई कोई शूट। सो आई एम रियली सॉरी। सो इसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे एक स्मॉल एंगल ब्रश के हेल्प से अपने नोज़ को अच्छे से कंट्रोल करूँगी, क्योंकि गाइज आपको पता ही है मेरी कितनी फैट नोज़ है। सो नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये पिंक कलर के ब्लशर पिक करूँगी और अपने एप्पल्स ऑफ चिक्स पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये गोल्डन कलर का हाइलाइटर लूँगी और एक फ़ैन ब्रश के हेल्प से अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी हाइलाइटिंग के लिए। सो उसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी सेम हाइलाइटर से। उसके बाद मैं अपने लैशेस को कर्ल करूँगी और यहाँ पे मैं पर्पल का मस्कारा यूज़ करूँगी, इसके दो कोट अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करूँगी ऑफ कैमरा। सो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नेचुरल लैसेस के साथ फेक लैसेस को अच्छे से कोट कर लूँगी मस्कारा की हेल्प से। सो नेक्स्ट मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे सेम कॉपर कलर अप्लाई करूँगी अपने आउटर लोअर लैश लाइन पे और इनर लोअर लैश लाइन पे मैं गोल्डन कलर अप्लाई करूँगी। और इसके बाद मैं स्टेकवेयर की का लाइनर लेके अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं मेकअप को फिक्स करने के लिए NY बे का मेकअप फिक्सर लूँगी, उसे अपने फेस को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे NY बे का लिक्विड लिपस्टिक लूँगी, ये शेड 4 है। सो मैं शेड जो नेम वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी और इसे अच्छे से अपने लिप पे अप्लाई कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा शेड है। So friends, here you can see the final finish look. So I hope आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे। अगर ये मेकअप लुक अच्छा लगता है तो आपको पता ही है ना क्या करना है, मेक श्योर मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है रेड कलर के बटन को प्रेस करके। बाय गाइस, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।